मोबाइल से HTML कोडिंग करने के इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग ड्रॉपडाउन लिस्ट और रेडियो बटन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे भी। नमस्कार मित्रों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का माय स्मार्ट स्किल्स चैनल पे। मित्रों, मोबाइल से HTML कोडिंग कैसे करते हैं इस पर आधारित एक पिछला वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी HTML पर आधारित वीडियोज का लिंक है, वहां से भी आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी से आपको हमारे इस तरीके के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और शुभारंभ करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो का। मित्रों, की जैसा कि आप जानते हैं, ये एप्लीकेशन है एंडराइटर, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मोबाइल से HTML कोडिंग करने के लिए। यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, इधर हम यहाँ सब कुछ नीचे देखिए, यहाँ दिया हुआ एंकल ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, HTML टाइप कर देंगे, क्लोज कर देंगे एंकल ब्रैकेट को, बॉडी टैग आ गया। इसके अंदर हमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए जो टैग है उसका नाम है सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट टैग हमने ले लिया और इसका नाम कर देंगे हम लोग, सिलेक्ट टैग का क्या है, CO कोर्सेस। ठीक है, अब कोर्सेस के अंदर हम इसमें क्या होता है, हमें अलग अलग जो कोर्सेस के नाम डालने हैं उसके लिए हमें ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑप्शन। और पहला कोर्स हमारा सपोज हो गया एक्सेल। ठीक है, देन हमें कोर्स ऑप्शन को क्लोज करना पड़ेगा, फिर से वापस हमें ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा सेकेंड के लिए। वहाँ हमने डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड डाल देते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिया दूसरा ऑप्शन भी। ऐसे ही बाकी ऑप्शन भी, आप जितने भी ऑप्शंस आपको ज़रूरत हैं उतने भी ऑप्शन करते हुए डालते जाएंगे और लास्ट में आके हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखने से पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं एंड देन HTML को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे प्रीव्यू बटन है, क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया। लेकिन देखिए जो हमने यहाँ पे आ गया एक्सेल और वर्ड आ रहा है, दो ऑप्शन ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि कोर्स हमने जो लिखा था वो सिलेक्ट का नाम हुआ, इस सिलेक्ट बटन जो बनाया हमने, जो ड्रॉप डाउन बटन बनाया उसका नाम हुआ। हमें अगर चाहते हैं कि वहाँ पे कोर्सेज लिखा हुआ दिखाई दे बाहर की तरफ पेज पे, तो इसको आप सिलेक्ट के ऊपर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ आपको फिर से कोर्सेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कोलोन और डैश लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए अब आ गया कोर्सेस और इसके अंदर वर्ड और एक्सेल। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आप ये सेलेक्ट बटन या जिसको ड्रॉप डाउन बटन भी हम लोग बोलते हैं वो कर सकते हैं। देखिए दूसरा वाला जो कोर्सेस हमने यहाँ लिखा है ना, ये वाला लाइन नंबर 4 में, ये क्या मतलब, जैसे कि कभी इसका डेटा जब हम डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं ना, तो हम वो ये नाम से हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो थर्ड वाले पे हमने कोर्सेस लिखा ना वो एक डिस्प्ले के लिए है, लेकिन इस ये जो कोर्सेस हमने लिखा है सेलेक्ट के बाद, ये इस सेलेक्ट बटन का नाम हुआ है। सेलेक्ट जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमने सेलेक्ट बटन बनाया, चाहे सेलेक्ट टैग लिखा, उसका नाम हुआ, उसके वजह से ये डेटाबेस में हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो ये है सेलेक्ट से रिलेटेड टैग, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका कुछ कोडिंग कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका कोडिंग भी आप देख लीजिए एक बार। इसमें भी मैंने सेलेक्ट बटन बनाया था जेंडर करके, तो ये देखिए यहाँ पर कोडिंग है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए लाइन नंबर 5 में हमने जो लिखा है ना, ये क्या है, ये कमेंट है, पिक्चर कोड स्टार्ट्स, ये कमेंट है, इसको ब्राउज़र रीड नहीं करेगा, ये कभी भी दिखाएगा नहीं, मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊंगा। और यहाँ भी देखिए पिक्चर कोड एंड, तो पिक्चर का जो कोड है ना ये 7 नंबर लाइन में है, 8 नंबर लाइन में है, 9 नंबर लाइन में है।
ये पिक्चर का कोड है, इसका वीडियो भी है, आप डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में मैंने दिया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पिक्चर के लिए ये कोड मैंने लिखा है और नीचे मैंने ये BR टैग, आप नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए थोड़ा सा, BR टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए। क्या था कि पिक्चर के बाद हम चाहते थे कि जेंडर नीचे आए, तो यहाँ हमने BR टैग केवल लगा दिया। BR टैग केवल एम्प्टी टैग होता है इसके बीच में, इसका मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसके बीच में कुछ नहीं लिखा जाता है, बस लाइन ब्रेक हो, लाइन ब्रेक हो गया और जेंडर नीचे लिखा है। इसका प्रीव्यू देख लीजिए आप लोग, ये देखिए पिक्चर लगा था हम लोगों ने, ये चैनल का नाम है जानते ही आप लोग, और नीचे माय स्मार्ट स्किल्स चैनल लिखा हुआ है, ये मैंने उधर लिखा है आप देख लीजिएगा, यहाँ पे माय स्मार्ट स्किल्स चैनल दोनों के बीच में, और BR टैग लगाया तो क्या हुआ, जेंडर यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ आया है और यहाँ भी ये मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये तीन ठो ऑप्शंस इसमें बने हुए हैं। तो इसका भी कोड से आप हेल्प ले सकते हैं, यहाँ भी मैंने ये कोडिंग इसके लिए किया है। ठीक है दोस्तों, रेडियो बटन के लिए हमें टैग लिखना होता है इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप ये क्या करिए, इसके अंदर एब्रीविएशन भी है तो टैग एट्रीब्यूट बोलते हैं उसको, कि आपको ये जो एंकल ब्रैकेट है ना, ये जो क्लोज एंकल ब्रैकेट, इसके बीच में लिखना होता है। यहाँ पे स्पेस दीजिए और लिखिए इनपुट टाइप, यहाँ टाइप करना पड़ेगा, इनपुट के बाद लिखना पड़ेगा स्पेस देने के बाद टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और यहाँ लिख देना होगा हमको रेडियो। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्लोज कर कर्ली ब्रैकेट्स बंद करेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद आपको जो ऑप्शन दिखाना है पेज पे वो लिखना है। जैसे हमें लिखाना है यहाँ पे टेंथ, ठीक है, टेंथ का बच्चा है तो टेंथ क्लास, टेंथ क्लास के लिए टेंथ क्लास हम यहाँ पे टेंथ लिख दिए। और दूसरा भी देख लीजिए, इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे इनपुट स्पेस टाइप इज इक्वल टू इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट, वापस फिर से रेडियो, ठीक है, इन्वर्ट कॉमा बंद एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और लिखेंगे ट्वेल्थ, मानते हैं बारहवीं के लिए चाहिए तो ट्वेल्थ। ठीक है, अब इसको हम करेंगे फाइल को सेव एंड प्ले। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया टेंथ और ट्वेल्थ, ये दो रेडियो बटन बने हुए आ गए। ठीक है, तो ऐसे आप रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML कोडिंग के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कोड को। अगर मित्रों चाहते हैं कि आप ये ऊपर नीचे हो जाए, या फिर यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए एक बार, ये क्या हो रहा है, जेंडर के साथ ही आ जा रहा है, तो इसके लिए आपको मैंने बताया अभी BR टैग, तो यहाँ पे सेलेक्ट के बाद और इनपुट से पहले यहाँ आप लगा दीजिए BR टैग। ठीक है, BR टैग तो ये नीचे आ गया, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा रहे उनका क्लास, तो यहाँ पे बाहर BR के बाद यहाँ लिख दीजिए क्लास CLASS, फाइन, ये आपके पेज पे डिस्प्ले होने लगेगा क्लास, उसके बाद ये दोनों रेडियो बटन सेव कीजिए प्ले कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ आ गया क्लास, और टेंथ के लिए एक बटन रेडियो बटन आ गया और ट्वेल्थ के लिए आ गया, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप रेडियो बटन भी क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML पेज के अंदर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर उनके साथ करिए जो लोग HTML सीख रहे हैं या HTML सीखना चाहते हैं। मोबाइल से HTML कोडिंग करने पर आधारित आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।